नमस्कार, आपका इस यूट्यूब में स्वागत है। मैं प्रोफेसर अथैया हूँ। मेरा वेबसाइट भी चलता है ukatheya.com, और पशु प्रजनन में ही मेरा इंटरेस्ट रहा और यही पढ़ाता रहा और यही करता हूँ। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि गर्भाधान मतलब वो जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, गाय में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है उसकी बच्चेदानी में और कैसे होता है। देखिए, जब फार्म में जानवर रखे जाते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि ईस्टर साइकिल क्या होती है, जब ये जानवर गर्म होने लगता है तो ये जानवर एक दूसरे को सूंघता है, जमीन को सूंघता है, आदमी को सूंघता है, चारा कम खाता है, अकेला होना शुरू हो जाता है, दूसरे जानवर पर चढ़ने की कोशिश करता है। फिर ये होता है कि ये जो है ये खड़ा हो जाता है और ये जो है चढ़ने की कोशिश, तो इस पर दूसरा जानवर जो हीट में आ रहा है वो इसके ऊपर चढ़ता है। तो यही पोजीशन होती है जिसमें इसकी एआई की जाती है। जब ये खड़ा हो जाए और ये इसकी योनि से वो गिरे, तब इसको जो है ये बेस्ट टाइम होता है इसमें। तो ये स्टैंडिंग हीट जो है ये 4 घंटे है, ये 12 घंटे है, ये इसको करीब 12 घंटे में, मतलब अगर ये सुबह से खड़ा होना शुरू हो गया तो शाम को, शाम से खड़ा होना शुरू हो गया तो सुबह कर देते, फिर इसके बाद ये जो है एक दूसरे को सूंघने लगते। तो अगर आप यहाँ पे उसकी यही करेंगे कृत्रिम गर्भाधान, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। वैसे मतलब यह है कि बीज जो है 72 घंटे तक रहता है, और आजकल वो GnRH का इंजेक्शन भी है, अगर वो आप लगा देंगे तो कंसेप्शन हो जाता है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जब इसमें कृत्रिम गर्भाधान करना है तो ये बच्चेदानी है। ये देखिए, ये इसके 2 हॉर्न हैं और ये जो है इसमें ओवरी है, ये ओविडक है यहाँ पे। तो जो स्पर्म है वो यहाँ से चल के आता है और यहीं पे आता है, और अंडा इधर से आता है। इसमें जानवरों में, घोड़े में और गाय में ये सुविधा है कि आप पीछे से हाथ डाल के उसको पकड़ सकते हैं, बकरी में आदमी में तो ये संभव है नहीं, उसमें तो अल्ट्रासाउंड से ही होता है। फिर आप अगर इसमें इधर से गन डाल के और आप बीच छोड़ सकते हैं, उसको मैं अलग से दूसरे उसमें बताऊंगा वीडियो में, पर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखिए, ये भी वही चीज़ है। ये यहाँ पे इसका ये मुँह है, इसका मुँह जो होता है बच्चेदानी का, ये जो है ये इसमें बहुत सारे चारों तरफ इसमें बिल से होते हैं। तो जब आप बीज डालेंगे इसमें यहाँ पे, तो यहीं पे डालेंगे क्योंकि वो इन बिलों में घुस जाता है बीज, फिर यहीं पे रहता है, फिर उसकी छटाई होती है जो मरे गिरे हैं वो, फिर आगे चलता है, फिर वो रुक जाता है। तो इस तरह मैंने दिखा रहा था कि ये जो है वो किस तरह से यही करते हैं। वो पहले मैंने आपको बता दिया कि गाय जब खड़ी होने लगेगी तब आप उसकी यही करेंगे। फिर इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो है पेशाब का थैला, ये नीचे होता है, तो जब आप इसको डालेंगे तो आप इसे ऊपर की तरफ डालिए, अगर आपने नीचे की तरफ डाल दिया वो इसमें चला गया तो गाय वो बहुत परेशान हो जाएगी। आप पहले ऊपर की तरफ चलिए फिर उसको नीचे मुड़ा दीजिए, ये ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है यूँ, तो आप इसको आगे खींच लीजिए और इसको सीधा, ये देखिए कि ये नीचे ना जाए, अगर ये नीचे जाएगा यहाँ पे तो ये पेशाब के द्वार पे लगेगा और फिर जानवर जो है वो परेशान हो जाएगा। तो मैंने आपको यही देखा इसमें आपको यही बताया कि गाय गर्म कैसे होती है और उसमें कैथेटर कैसे डालते हैं और मतलब बीज कैसे डालते हैं और बीज को कहाँ डालना चाहिए। बीज को अंदर बच्चेदानी में नहीं डालना है, उसको यहीं डालना है, और बीज एक ही बार काफ़ी होता है, एक बार ये बीज काफ़ी होता है। अगर आपने एक बार डाल दिया
क्योंकि बीज आजकल जो बछिया पैदा करने वाला बीज है वो 1,000 2,000 3,000 का आता है, तो आप 12 थोड़ी डालेंगे उसे। बहुत से लोग कहते हैं हम 2 बार डाल दिया, अरे आप कितने बार डालिए, मतलब उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। मैं भिन्न भिन्न पशुओं में मतलब बीज की संख्या क्या होती है। देखिए ये इसमें दिखाया कि बुल गाय आदमी और भैंस और क्या कहते हैं भेड़ गोट बोर और घोड़ा और रैबिट और जैक गधा, तो ये इसमें देखिए इसमें मतलब ये कितना कितना सीमेन देती है, मतलब जिसमें दे रखे ये 200 ml देता है बोर। समझे ना, बोर 200 ml सीमेन देता है, घोड़ा जो है 150 ml देता है, और जो बुल है बुल 8 ml के करीब देता है, आदमी में 2-3 ml निकलता है। अब ये देखिए ये दे रहा है कि स्पर्म कंसंट्रेशन इन मिलियन पर ml, 1 ml में मतलब स्पर्म कितने हैं मिलियंस में है। मिलियन मतलब होता है, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। तो इसमें बुल में देखिए आप, इसमें 1,200 मिलियन होते हैं, वैसे इसमें 300 मिलियन से 2,000 मिलियन तक हो सकते हैं। तो हमको 15 मिलियन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये स्पर्म जो है अब जो आप देखेंगे जैसे आदमी में 100 मिलियन ही होते हैं, गोट में सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें 300 3,000 मिलियन होते हैं, यहाँ 1,200 है इसमें 3,000 मिलियन होते हैं, और इसमें इस बोर में 250 मिलियन होते हैं। ठीक है, और इसमें जो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहता है, इसमें 200, इसमें 150, इसमें 120 ही, तो उसमें आप ज्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा यही नहीं कर सकते। इसमें तो एक बार जो सीमेन देता है उसमें से आप 500 तक कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। वो कहते हैं आदमी में हो जाए, आदमी में तो 100 मिलियन ही होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता, 100 मिलियन है बस इसमें। और 50 मिलियन से है तो इसमें ज्यादा, उसमें यही कि डोज आप ज्यादा नहीं बना सकते, इसमें 500 डोज बना सकते हैं, इसमें नहीं बना सकते। ये रैबिट है, रैबिट में भी 300 होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गोट में और बुल में इसमें सबसे ज्यादा होता है, जो गोट है इसमें और शीप है इसमें दुगना होता है जितना इसमें। इसमें मान लीजिए 1,500 है तो ऐसा 3,000 है। तो ऐसे लोग आप पूछते हैं कि साहब ये आई मतलब इसमें भी हो जाएगी, हो तो सब में जाएगी। पर मतलब अरेबियंस जो थे वो पहले क्या करते थे कि जब घोड़ा घोड़ी पे चढ़ लेता था ये स्टैलियन है, तो उसमें हाथ डाल के मुट्ठी में सीमेंट लेके और उसको दूसरे के उसमें डाले आते थे घोड़ी में। तो वो क्या करते थे, क्योंकि पहले लड़ाई लड़ाई वड़ाई घोड़े से ही होती थी, तो वो ये चाहते थे कि दुश्मन का घोड़ा जो है कमजोर हो, तो वो गलत घोड़ों का बीज उसमें डाल दिया करते थे। खैर ये तो बात दूसरी रही, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसमें सीमेन कंसंट्रेशन होती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि स्पर्म जो है, पहले आदमी ये सोचता था कि बच्चा जो है कुछ खाने से पैदा हो जाता है, या मतलब वो कहते हैं कि साहब मछली के पेट में हो गया, वो पसीने की बूंद गिरी, तरबूजा खा लिया, पर सबसे पहले स्पर्म जो है वो देखा गया माइक्रोस्कोप हॉलैंड में, हॉलैंड में डच में, डच ने इसको 1677 में देखा। आप 1677 मतलब 1970 से इंडिया में जो है वो फ्रोजन सीमेंट यूज हो रहा है इंडिया। तो इसको कितने समय तक रखा जा सकता है फ्रोजन सीमेंट को,
और इसी से ही सारी उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो स्पर्म होता है ये करीब 10 μ के बराबर होता है। μ मतलब 10⁻⁶ माइनस 6 मतलब 1 मीटर का ये भाग 6 1 2 3 4 5 इतना भाग मतलब इतना छोटा होता है। एक स्पर्म जो होता है 10 μ होता है और एग जो होता है वो जो होता है 200 μ का होता है 200 μ म्यू मतलब 10⁻⁶10⁻⁶। तो देखिए मैं ये काफ़ी बड़ा होता है अंडा मतलब अगर आप इसको इससे भाग दे दें तो ये करीब 2 और 20 गुना ये इसका अंडा इसका बड़ा। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये अंडा है और ये स्पर्म। लाखों स्पर्म जो हैं वो इसके आगे पीछे अंडे के घूमने लगते हैं। समझे ना आप? लाखों स्पर्म अंडे के और अंडा जो है वो जैसे मैंने बताया वो इधर से चल के और ओविडक्ट में जाता है और वो स्पर्म जो है ओविडक्ट में जाते हैं और वो जो है अंडा जो है वो ओवरी से निकल के और इधर जाता है। यहाँ पे देखिए ये ओवरी है, यहाँ से अंडा इधर आया और इधर से जो है ये स्पर्म जा रहे हैं और यहाँ पे इसमें सैकड़ों स्पर्म इसमें से इसके चारों तरफ घूमते हैं पर इसमें से एक ही स्पर्म इसमें घुसता है। इसका कैपेसिटेशन होता है मतलब ये जो है इसकी ऊपर की कैप उतरती है और जिसकी उतर जाती है वो उसमें घुस जाता है फिर वो ब्लॉक कर देता है उसको। तो ये अंडे का न्यूक्लियस है और ये जो है आपका जो है वो स्पर्म है एक ही घुसेगा बस। जैसे इंटरव्यू में 10,000 आदमी जाते हैं तो एक का ही सिलेक्शन हुआ। तो इसी तरह से होता है भाई। फिर इसका जो है मतलब ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस समय तापक्रम ठीक रहना चाहिए और ये अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए हाउसिंग बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अंडे का और स्पर्म का आकार प्रकार क्या होता है और स्पर्म में कैपेसिटेशन होता है ये नंगा होता है इसकी कैप ऊपर से उतरती है और ये इसके अंदर घुस जाता है और फिर इसका फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ये 7 दिन तक तैरता रहता है और तैरने के बाद 7-8 दिन ये बच्चेदानी पे लग जाता है। तो मैं इसी के संग अपनी वार्ता ख़त्म करता हूँ। मैंने ये आपको बताया कि 1677 में स्पर्म को देखा गया और डॉग में एआई जो है वो 1780 में हुई और फ्रोजन सीमेन जो है 1938 में आया पर इंडिया में फ्रोजन सीमेन जो है वो 1970 में आया करीब और स्पर्म का साइज जो है वो 10 μ के बराबर होता है तथा एग का साइज जो है वो 200 μ के बराबर होता है। और सबसे विशेष बात यह कि यदि अगर वातावरण का तापक्रम ज़्यादा रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और रिपीट ब्रीडिंग हो जाएगी। इसलिए इसकी हाउसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वास्तव में दिखाया गया है और ये डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें ये देखिए इसमें भी घुस रहा है ये एक स्पर्म जो है इसका कैपेसिटेशन हो गया। कैपेसिटेशन मतलब हो गया मैच्योरेशन। अगर ये मैच्योरेशन अगर आप इसको ये बच्चेदानी में होता अगर आप इसको क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे तो ये कैपेसिटेशन नहीं होता। उसमें फिर केमिकल डाल रहे हैं उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आप ये याद रखिए कि एआई के समय तापक्रम 20 डिग्री रहेगा 6 घंटे तक और 6 दिन तक जब तक वो जम नहीं जाता है तब तक कंसेप्शन नहीं होगा। इसलिए आप अपने पशु को
दाना कम दीजिए, उसको ठंडे में रखिए, उसको नहलाइए 6 घंटे तक। और अच्छा तो ये होगा कि आप जो है शाम को यही करें, जिससे रात में वो हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्ता ख़त्म करता हूँ। आशा करते हैं कि ये आप इन बारीकियों को समझेंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि चूहे का जो अंडा है वो बहुत छोटा है और हाथी का बहुत बड़ा है। करीब करीब अंडा का साइज़ यही होता है और स्पर्म का साइज़ यही होता है। तो ये मैं आपको इसकी बारीकियों को, ये असली चित्र है और ये जो है इसका डायग्रामेटिक चित्र है, इसी से बता रहा हूँ। तो इसमें हाउसिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं, जो विलायती नस्ल की गाय है। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वेबसाइट भी है ukatheya.com, ukatheya, ukatheya.com। तो आप अगर इस तरह से प्रजनन को ठीक तरह से समझ लेंगे तो आप गाय पैदा करेंगे, दूध तो अपने आप पैदा हो जाएगा। आशा है आपकी तरक्की होगी और आप डेयरी में निपुण होंगे। और ये मेरा सारा लेक्चर इसी के प्रयास में है कि आप कदम गढ़वाल की बारीकियों को समझें। धन्यवाद।